नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपसे बात करेंगे। कुछ लोग ध्यान भजन कीर्तन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चलो कीर्तन अलग रख लो क्योंकि वो शारीरिक एक्टिविटी साथ में होती है, तो लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी ये लागू होगा ये नियम। तो ये क्या है जिससे मन हमारा, कभी कभी तो ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मन बहुत अच्छा लग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है मन लगता ही नहीं, आपने एक घंटा ध्यान भजन मेडिटेशन किया, कुछ भी किया तो मन नहीं टिकता। रेकी में तो चलो ऐसा नहीं होता, रेकी में तो आप रेकी कर रहे हैं तो रेकी एकदम बैलेंस कर देती है। रेकी प्राण ऊर्जा है, परमात्मा की सीधी सीधी ऊर्जा है, आपका कुछ भी हो वो अपने आप नकारात्मक तत्व हटा देगी। अगर शरीर में कुछ ऊपर नीचे है तो उसको बैलेंस कर देगी, जो जरूरत है शरीर के हिसाब से वो अपने आप उसको ला देती है। रेकी में ऐसा नहीं होता, लेकिन और बहुत सारे माध्यम हैं उसमें होता है। आप रात को लेट रहे हैं, कभी कभी तो रात में बड़ी अच्छी लेटते ही नींद आ जाती है, और कभी कभी रात में करवट ही बदलते रह जाते हैं, कई कई घंटे तक आपको नींद ही नहीं आती, क्या कारण है ये। और कभी कभी आपने देखा आप गुस्से में आ गए, तनाव में आ गए, नकारात्मक भावना में आ गए, नेगेटिव विचार में आप चले गए और वो बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही। हर चीज़, चाहे कोई गुस्सा हमारे भीतर आए, चाहे कोई नकारात्मक भावना आए, चाहे कोई अच्छी भावना आए, वो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मिनट मिनट मिनट, कुछ भावनाएँ ऐसी होती हैं वो कुछ दिनों में कम होती हैं, लेकिन हर चीज़ कम होती जाती है। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप नकारात्मक विचारों में खो गए हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, गुस्सा आ गया आपको, गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, निकल नहीं रहा, आपको जलाते जा रहा है, उसको कैसे बदला जा सकता है, क्या इसका विज्ञान है? तो ये भगवान शिव का आपको विज्ञान आज आपको बताऊंगा, छोटी सी टेक्निक, इससे आपका मन भी लग जाएगा, चाहे ध्यान करें, चाहे आप भजन करें, परमात्मा का स्मरण करें, जप करें, तीर्थ करें, जो भी आप करें, मन आपका शांत हो जाएगा। आप रात को लेटेंगे तुरंत आपको नींद आने में सहायता मिल जाएगी, जो गर्म तत्व है वो हट जाए और आप शांत हो जाएं। आपके नकारात्मक भाव हैं वो कैसे एकदम से बदले जा सकते हैं, पूरे मन की दशा को बदला जा सकता है एकदम से। आप कितने भी नेगेटिव हैं, गुस्से में हैं, नकारात्मक है, उसको तुरंत बदलने का तरीका, इसको पहले समझ लें। क्या होता है, आपने देखा होगा भगवान शिव का शरीर एक अर्ध नारीश्वर स्वरूप उनका, तो ये जो चीज है क्या है उसमें कि आधा शरीर माता पार्वती का और आधा भगवान शिव का। ऐसा नहीं है कि ये खाली भगवान शिव का ही ऐसा है, बल्कि उन्होंने हम सभी को अपने जैसा ही बनाया है। परमात्मा ने इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं की कि हमें कुछ कम किया हो, परमात्मा ने बिल्कुल हमें अपना ही स्वरूप, अपना ही रूप दिया है। तो हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है, हमारा जो राइट साइड है वो पुरुष तत्व है और जो लेफ्ट साइड है वो नारी तत्व है, ये दोनों तत्व हैं। कभी आप ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका मन अशांत है, आप अपने मन को एकदम से बदलना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को एकदम चेंज करना चाहते हैं, आप किसी नकारात्मक भाव में चले गए उसे बदलना चाहते हैं, तुरंत तुरंत उसे बदलने का तरीका आपको बता रहा हूं। तो आपने ये समझ लिया, हमारी राइट साइड होगी पुरुष तत्व, ऊर्जा, वीरता, शक्ति की जरूरत है वो राइट साइड से पैदा होगी, सौम्यता, शांति, आनंद जब भी पैदा होगा वो राइट लेफ्ट साइड से पैदा होगा। अब ये कैसे पैदा किया जा सकता है इसके विज्ञान को समझ लें। अगर आप ध्यान भजन कर रहे हैं और आपकी राइट साइड से श्वास आ रहा है, आप कभी गुस्से में आ गए, नकारात्मक भावना में चले गए, आपकी राइट साइड से श्वास आ रहा है, जब तक श्वास आपका बदल के दूसरी नासिका से नहीं आएगा तब तक आपकी यही दशा बनी रहेगी, आप उसी भावना में चलते रहेंगे, उसी भावना में चलते रहेंगे। अगर आपको कभी अपनी कोई अच्छी भावना में आप हैं उसे बढ़ाना चाहते हैं तो उसी श्वास को और कंटिन्यूस बढ़ाना चाहिए। वो कैसे करना है, हमारे दो तत्व होते हैं, दोनों दो नासिका हैं। जब भी आप इस तरह से श्वास देखेंगे, चेक करें, पहले आपको या तो ऐसे लगेगा कि इस तरफ से श्वास आ रहा है या इस तरफ से आ रहा है, या कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि दोनों से श्वास आ रहा है, फिर भी एक नासिका से श्वास ज्यादा आ रहा होगा और दूसरी से कम आ रहा होगा। तो जिस तरफ से ज्यादा श्वास आ रहा है वही नासिका हमारी चल रही है,
अगर हमारी राइट साइड से आएगा तो आप ऊर्जा में रहेंगे, आप शक्ति में रहेंगे, लेकिन आप शांत नहीं हो पाएंगे, आप ध्यान में नहीं जा पाएंगे, आप भजन में नहीं डूब पाएंगे, आप सो नहीं पाएंगे। अगर आप सोने जा रहे हैं तो आप सो नहीं सकते। तो क्या करना है, जब भी सोना है तो राइट साइड की करवट को, या आपने ध्यान भजन में उतरना है, राइट साइड की करवट को हमेशा नीचे लेके इस तरह से सोएं, राइट बाजू नीचे करेंगे और इस तरह से सोएंगे। शरीर को पूरी पीठ सीधी नहीं करनी है, बल्कि राइट साइड नीचे किया और इस तरह से लेट गए। ठीक है, अभी आपको लेट के नहीं बता सकता, तो इस तरह से लेटना है। अगर आपको कोई ऊर्जा का काम करना है तब तो राइट साइड से श्वास ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा। आप कभी श्वास काम करके देखें, दौड़ के देखें, कोई काम करके देखें, चाहे ना आपकी लेफ्ट साइड से श्वास आ रहा है, तो अपने आप जैसे ही आप जोर का काम करने लगेंगे तो शरीर को ऊर्जा चाहिए, गर्मी चाहिए, तुरंत श्वास बदल जाएगा और राइट साइड से श्वास आने लगेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों नासिकाओं से बिल्कुल बराबर श्वास आता है, वो समय कुछ ऐसा होता है, उसमें केवल ध्यान भजन भक्ति ही किया जा सकता है। आप कोई नया कर्म अगर उसमें करेंगे, दोनों नासिकाओं से जब बराबर श्वास आएगा, तो कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होता। या ये कह लें कि 99% से ज्यादा उसके चांसेस होंगे वो सक्सेसफुल नहीं होगा, अगर दोनों नासिकाओं से बराबर श्वास आ रहा होगा। अगर एक से कम या ज्यादा आ रहा है, इसका पूरा विज्ञान है, ये आप भगवान शिव का शिव स्वरोदय विज्ञान बुक मंगवा सकते हैं। तो उसमें भी अगर आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए तो उसको आप पढ़ लें और समझ लें, लेकिन आपको मोटी मोटी चीज समझाता हूँ जिसे आप अपने जीवन में कर सकते हैं। जब भी आपको सोमया कर्म करना है, ध्यान करना है, भजन करना है, तो उस समय पे हमारी लेफ्ट साइड से श्वास आता होना चाहिए। आप सोने जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड से श्वास आना चाहिए। तो क्या करेंगे, राइट साइड नीचे करके अगर आप सोएंगे तो दूसरी नासिका से अपने आप श्वास चलने लग जाएगा, यानी कि जिस बाजू को आप नीचे करके सोएंगे श्वास उसके दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड नीचे करके सोएंगे तो श्वास राइट साइड से आने लगेगा। लेकिन अगर आपने रात में कभी भोजन किया है और आप सोने जा रहे हैं, तब उससे सोने का जो गैप है कम से कम 1.5 घंटे का रखें। आप सोने जा रहे हैं और राइट साइड अगर नीचे करके आप सो जाएंगे तो आपका हाजमा सही नहीं होगा, क्योंकि आपकी श्वास चलने लग जाएगी सोमया और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, तो भोजन अच्छी तरह से नहीं पचेगा, अपचन होगा। शरीर को पचाने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो सोने का गैप उसमें 1.5 घंटे का जरूर रखें। फिर 1.5 घंटे बाद जब अगर आपने भोजन काफी पहले कर लिया तो राइट साइड ऊपर करके लेफ्ट साइड नीचे करके इस तरह से सोएंगे तो 2-4 मिनट में श्वास राइट साइड से आने लगेगा। जब भी आपको ध्यान करना है, भजन करना है, सोना है, तब हमेशा, या आपको अपने मनोभाव बदलने हैं, सौम्या करने हैं, एकदम अपनी मन की भावना, टेंशन, डिप्रेशन, घबराहट, कुछ भी आपको महसूस होता है उसे बदलना है, दर्द हो रहा है, उसमें भी एकदम से आपको फर्क मिलेगा, एकदम से फर्क मिलेगा। श्वास को बदल दें, श्वास चेक करें जोर से किस तरफ से श्वास आ रहा है। अगर राइट साइड से आ रहा है तो लेफ्ट नीचे करके सो जाएं। अगर लेफ्ट से आ रहा है, आपको कोई समस्या है उस टाइम पे, उससे उल्टा, अगर राइट साइड से आ रहा है तो लेफ्ट साइड को नीचे करके राइट साइड को अगर राइट साइड से आ रहा है तो राइट को नीचे करके सो जाएं, उल्टा चलने लगेगा। यानी कि आप जिस बाजू को नीचे करके सोएंगे, बाजू तो आगे पीछे भी हो जाए, ये साइड ही आपको नीचे करनी है, बाजू की कोई दिक्कत नहीं, जिस साइड को आप नीचे करेंगे उससे उल्टा श्वास चलने लग जाएगा। अब दोबारा एक बार समझा देता हूं अगर नहीं समझे, कि अगर आपको सोमया कर्म करना है, ध्यान भजन कीर्तन, आपको सोना है, अपने मनोभाव को बदलना है, मनोभाव चलो अलग रख लो, लेकिन अगर सोमया कर्म करना है, ध्यान भजन कीर्तन या सोना है, तो हमेशा श्वास आपकी राइट साइड से आना चाहिए, लेफ्ट साइड से, सॉरी, तो लेफ्ट साइड से आना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, राइट साइड नीचे करके जैसे ही आप सोएंगे 2-4 मिनट में, अगर आपको जुकाम नहीं हुआ है तब, नॉर्मल है, कभी कभी जुकाम हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको राइट साइड से चलाना है, सोमया कर्म करना है, तो राइट साइड नीचे करके सोएंगे, उल्टी दिशा से श्वास चलेगा, आपका मनोभाव भी बदल जाएगा। मनोभाव अगर बदलना हो, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, एकदम से घबराहट, दर्द, उसको घटाना हो, तो पहले अपने श्वास को चेक करें, जिस तरफ से आ रहा हो श्वास
उसी करवट को नीचे करके सोना है। जिस तरफ से श्वास आ रहा हो उसी करवट को नीचे करके सोएं। जैसे ही श्वास बदलेगा आपका पूरा मनोभाव, आपका शरीर एकदम से बदल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। कई बार एक बात को मैंने रिपीट कर दिया, इसलिए किया ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। यानी कि जिस समस्या, अगर आपको समस्या है तो पहले श्वास चेक करें, और जिस तरफ से श्वास आ रहा है उस श्वास को आपको बदल के दूसरी नासिका से श्वास लेना है, तभी वो समस्या आपकी ठीक होगी। उसके लिए जिस तरफ से श्वास आ रहा हो, आप चिंता घबराहट डिप्रेशन में है, टेंशन में है, नकारात्मक भावना में है, जिस तरफ से श्वास आ रहा है उसे नीचे, उस करवट को नीचे दबा के सो जाएं। जैसे ही श्वास बदलेगा आपका सब कुछ बदल जाएगा। तो ये भगवान शिव का स्वरोदय विज्ञान का ज्ञान है, जो कि बहुत लंबा विज्ञान है, लेकिन आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं इसमें। तो जिसको ज़रूरत हो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दिए तो बहुत अच्छा है, लोगों के भी काम आ जाती हैं ये जानकारियाँ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।